राम राम भाइयों, आपके सामने एक करंट जीके का टॉपिक लेके आया हूँ और एक्टिव एकेडमी की तरफ से ये क्वेश्चन है आपके पास। 10 क्वेश्चन हैं आज करंट जीके के। पहला क्वेश्चन आता है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। युवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति होते हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आंसर आता है भुवनेश्वर। और ये पड़ता कहाँ पर है, उड़ीसा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और यहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला बायोगैस, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। कहाँ स्थापित होगा, खंडवा, एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी भारत का हृदय बोलते हैं, एमपी को भारत का टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। करंट में अगर सवाल ये भी पूछा जाता है कि इनके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इनके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। वैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसमें आंसर आता है जबलपुर एमपी, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, एमपी मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय, अगला क्वेश्चन आता है उष्णकटिबंधीय, जहाँ उष्णकटिबंधीय वह स्थान होता है जहाँ पर पानी की मात्रा ना के बराबर होती है। शीतोष्णकटिबंधीय वह होता है जहाँ पर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो ध्यान रखना इस सवाल को यहीं से पुटअप करते हैं। एक आता है उत्तरी गोलार्ध और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% पानी है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% पानी की मात्रा पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय तूफान, यहाँ पर एक तूफान आया था, चक्रवाती तूफान होता है उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी। मैगी का नाम सुना होगा आपने वैसे भी। मैगी किस देश को प्रभावित किया है, किस देश को, तो उसमें नाम आता है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी या कैपिटल कौन सी है, मनीला। यहाँ पर एशिया विकास बैंक की स्थापना भी की गई है, एशिया विकास बैंक की स्थापना भी की गई है, मनीला कैपिटल है और देश का नाम क्या है, फिलीपींस। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चक्रवाती तूफान आता है गुलाब, भारत के किन दो राज्यों को प्रभावित किया है। पहला राज्य आता है इसमें, आंसर नोट कीजिएगा, उड़ीसा, और दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। भारत के किन दो राज्यों को प्रभावित करता है, उड़ीसा, और दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा वह राज्य है जिसमें देश में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें पाई जाती हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत का जो भाषा के आधार पर इसको गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी। करंट में क्वेश्चन बनता है जगन मोहन रेड्डी, और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके 5 डिप्टी सीएम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, टाइफन इफा ने किस देश को चक्रवात से प्रभावित किया है। दोबारा सुनिएगा, टाइफन इफा ने किस देश को चक्रवात से प्रभावित किया है। अधिकतर क्वेश्चन जो डाले गए हैं वो लगभग चक्रवात से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पॉइंटों के उसके पॉइंट बताए जाएंगे। तो चक्रवात से प्रभावित किया है, तो उसमें देश का नाम आता है चीन। कौन सा नाम आता है, चीन। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश पाया जाता है। इसकी जनसंख्या अगर टोटल विश्व में आकलन किया जाए तो 19.4% के माध्यम से आती है। पहला देश अगर जनसंख्या के मामले में चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है, और चौथा आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये 4 देश हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला देश आता है
वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में पड़ता है, आप लोगों की जिज्ञासा होगी, तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप। यूरोप में एक बड़ा देश और भी है इंग्लैंड, काफ़ी फेमस देश माना जाता है, तो यहाँ पर चीन देश, चीन देश को प्रभावित किया गया। चीन एक ऐसा देश है विश्व का जिसकी 18 देशों के साथ, कितने देशों के साथ, 18 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है शंघाई। कौन सा शहर है, शंघाई। और आज टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो चीन एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। हालांकि जापान भी है, परंतु चीन सबसे ज़्यादा उभरता हुआ देश माना जाता है। आज मार्केट में कोई भी सामान होगा अधिकतर चीन का ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है चक्रवात वत्सराई, ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। चक्रवात वत्सराई किस देश को प्रभावित किया है, यानी कि यहाँ पर देश शब्द आया परंतु यह देश न होकर मेडागास्कर जो है इसको प्रभावित किया है। पर मेडागास्कर क्या है, एक द्वीप है। क्या है, एक द्वीप है। अगर हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है, एक होता है द्वीप और एक होता है प्रायद्वीप, दोनों का ध्यान देने योग्य बात है। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, द्वीप वह होता है जो धरती से उभरा हुआ होता है, धरती से उभरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी उठा हुआ क्षेत्र होता है, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, पानी ही पानी पाया जाता है, पानी ही पानी। भारत में टोटल जो द्वीपों की संख्या है वर्तमान समय में 247 है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 247 द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों स्थानों पर यह चीज़ पाए जाते हैं भारत की बात की जाए तो। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप वह होता है जिसके तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ पानी नहीं पाया जाता, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे इंडो चीन का प्रायद्वीप। तो इस प्रकार से मेडागास्कर, मेडागास्कर पाया कहाँ जाता है आपकी यह भी जिज्ञासा होगी, तो मेडागास्कर भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के पास, यानी कि लगभग अगर पूछा जाए तो हिंद महासागर के पास में यह पाया जाता है, लगभग भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मेडागास्कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या पहले बताई जाए 7 है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह एक गतिशील महाद्वीप है, यह एक सफेद श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, यह एक विज्ञान का महाद्वीप है और लगभग यहाँ पर 100% बर्फ पाई जाती है। अगर इसका पानी भी पिघलता है, हमें अंटार्कटिका की तरफ पूरा ध्यान देना है, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसमें से लगभग 2% बर्फ पिघलती है फरवरी माह में, लगभग 98% यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बर्फ। अब हमारा सवाल ये भी आता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज 1820 में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी फेबियन वेलिंग सासेन ने। किसने की थी, फेबियन वेलिंग सासेन ने की थी, सासेन ने की थी। और इस महाद्वीप को हम निर्जल महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहां पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर मौसम भी है, भारत की तरफ से गोवा में हर साल प्रति व्यक्ति यानी कि लगभग प्रति साल एक टीम भेजी जाती है जो यहाँ पर खोज करने के लिए जाती है। यहाँ पर कुछ वनस्पति पाए जाते हैं जिसको मांस और लाइकेन बोलते हैं, यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, वो पैगविन नाम के जानवर पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जानकारी मैंने आपको 10-5 क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप ने अपना कौन सा अभियान शुरू किया है, अभियान कौन सा है, 41वां वैज्ञानिक अभियान। कौन सा अभियान है, 41वां वैज्ञानिक अभियान। अब हमारा सवाल आता है कि भारत देश के द्वारा यहाँ पर और भी कोई चीज़ यहाँ पर पहले खोली गई है, बिल्कुल खोली गई है। सन 1983 में यहाँ पर एक संस्था खोली, यानी कि एक सर्वे के लिए चीज़ खोली गई थी दक्षिणी गंगोत्री, सन 1983 में दक्षिणी गंगोत्री, ये आता है सन 1983 में। अगर हमारा सवाल आता है कि इसके बाद भी अगर कोई चीज़ खोली गई थी, कि बिल्कुल खोली गई थी, एक संस्था और खोली गई थी सन 1988 में मैत्री और 2012 में यहाँ पर संस्था खोली गई जो भारतीयों के द्वारा खोली गई, उसका नाम था भारती।
क्या नाम था? भारती। दोबारा रिपीट करेंगे, सन 1983 में दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। वर्तमान समय में यह बंद हो चुकी है, यह संस्था भारत की तरफ से बंद हो चुकी है। सन 1988 में मैत्री और सन 2012 में भारती यह संस्था खोली गई थी अंटार्कटिका महाद्वीप में, जहां पर समय समय पर क्या होती है, सर्वे किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच में विवाद हुआ था? असम और किस राज्य के बीच में विवाद हुआ था जो 50 सालों के बाद में इसको सुलझाया गया, यानी 50 साल के बाद में इसको फ्री कर दिया गया, यानी इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है कि वर्तमान समय में हरियाणा और पंजाब का एक मुद्दा चलता है SYL नहर का, और ये मुद्दा कई सालों से चलता आ रहा है। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा राज्य है जिनके ये मुद्दे चल रहे हैं, तो हमें इसमें आंसर देना है, सुलझाया गया। एक का नाम आता है असम और एक का नाम आता है मेघालय। इन दोनों का मुद्दा था सीमा विवाद। कौन सा विवाद था? सीमा विवाद था। यह मुद्दा सन 1972 से स्टार्टिंग चला हुआ है, क्योंकि असम से कटकर मेघालय को बनाया गया था, और यह मुद्दा वर्तमान समय में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि यह मुद्दा कैसे खत्म हुआ, सर जी जिज्ञासा है, तो असम और मेघालय दोनों की बात करते हैं, तो एक तो आते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और दूसरा आता है मेघालय कोनाड संगमा। ये दोनों ने दिल्ली में आकर एक हस्ताक्षर किया, एक मुद्दे के ऊपर हस्ताक्षर किया, और यह मुद्दा 50 साल का वर्तमान समय में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम ने हाल ही में अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया, किस संस्था का शुभारंभ किया अंतरिक्ष से जुड़ी। भारत में अंतरिक्ष की अगर बात की जाए तो एक तो आती है इसरो और एक आती है DRDO। ये दो संस्थाएं वर्तमान समय में काम करती हैं। उसी प्रकार से पीएम ने हाल ही में अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन नाम की एक संस्था डाली, और यह भी इसरो की तरह या DRDO की तरह काम करेगी। इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, और DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो वर्तमान समय में इनका अध्यक्ष कौन है, इनका अध्यक्ष है जयंत पाटिल, ध्यान रखना जयंत पाटिल वर्तमान समय में इनका अध्यक्ष है। और दोबारा मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, पीएम ने हाल ही में अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया, और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जयंत पाटिल। थैंक्स।